ये राजवाड़ा हुआ करता था राजा कृष्णदेवराय का। वहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है जहां पर रहते थे विमेंस और एलिफेंट्स, नहीं मतलब ऐसा साथ में नहीं रहते थे, अपन तो घर बसा ले यार, इतने अच्छी जगह पे इनका सिर्फ बाथरूम था ही है। यहाँ पर म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, तो हम वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पर अभी। इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर सम फेमस प्लेसेस ऑफ हम्पी। रूम की हालत बहुत गंदी है तो जज मत करना। अभी बाहर का वेदर क्लाउडी हो रहा है और प्रॉबेबली रेन होगी बिकॉज वेदर फोरकास्ट में तो है, इसलिए हम लोग सबसे दूर वाला जो टेम्पल है वो सबसे पहले कवर करेंगे। वहाँ जाने में हमको अराउंड 30 मिनट्स लगेंगे और एक टेम्पल जो है वो हमारे रूम के पास में ही है, तो उसे वापस आधे टाइम कवर करेंगे। और रास्ते में कुछ चीज़ें और हैं जो दूसरे फेमस प्लेसेस हैं, तो उन्हें कवर करते हुए से पूरे रूट से घूम के वापस आएंगे। सो आई गेस इट्स टाइम टू लीव एंड ये आ रहा है मेरे को बुलाने के लिए। इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम्पी की सड़कों पर आपको मिलेगी ग्रीनरी, ब्यूटीफुल व्यूज, नैरो एंड रॉकी रोड्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ की बात है, ये पत्थर के पाथ हर जगह मिलेंगे आपको। जस्ट जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट हिट द बेस ऑफ दीज बोल्डर्स बिकॉज देन यू विल बी हिटिंग द रॉक बॉटम। ड्वेन जॉनसन वोंट बी टू प्लीज्ड विद दैट। एंड वी आर एट विजय विठल टेम्पल इन हम्पी। और यहाँ का रोड बहुत ही प्यारा था, मतलब रास्ते भर हमको रुइंस और जो बोल्डर्स स्टोन्स और ब्यूटीफुल से व्यूज़ और ग्रीनरी के साथ में मिले। अभी यहाँ पे हमको बाइक पार्क करनी है, उसके बाद प्रॉबेबली यहाँ से इलेक्ट्रिक वैन या फिर वॉक करके आप जा सकते हो टेम्पल तक। तो पार्किंग से विजय विठल टेम्पल जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक वैन में जा सकते हो जो पार्किंग से टेंपल तक ट्रू एंड फ्रो चलती है, वो 10 लोगों को अकोमोडेट करती है और उसके चार्जेस है 20 रुपीज़ पर ट्रिप, या तो फिर आप वॉक करके टेंपल तक जा सकते हो जो कि 1.5 या 2 किलोमीटर का वॉक है। हम लोग वॉक करके जा रहे हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एड वैन इन अवर एडवेंचर। नहीं बट रास्ते में क्या है ना, बहुत सारे रूइंस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप जब वैन से जाते हो तो प्रॉबेबली आप वो मिस कर दोगे, इसलिए आई सजेस्ट कि आप वॉक करके जाओ। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग तो आप रास्ते में उन रूइंस को, स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड रिटर्न में आप वैन से आ सकते हो, सो यू कैन एक्सपीरियंस बोथ थिंग्स एंड यू वोंट बी इन द वेन। बहुत बड़ा प्रीमाइस है ये, यहाँ पे एंट्रेंस में एक बाज़ार है और मेन गेट पे गोपुरम है, उसके बाद यहाँ पर अंदर बहुत सारे अलग अलग मंडपम्स हैं। मेन थिंग जो आपको एंट्रेंस पे यहाँ पर दिखती है वो है एक स्टोन चैरियट जो कि बहुत फेमस है और इंस्टाग्रामेबल है, बहुत ज़्यादा ही मतलब इसकी फ़ोटोज़ आते हैं, हम भी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, कोई भी आता तो यहाँ के फ़ोटो से लेते ही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स और सिंगल ग्रेनाइट से बनाए हुए यहाँ पर मंदिर और मंडपम्स हैं। यहाँ पर म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, तो हम वो सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी से। विजय विठल टेम्पल 15th सेंचुरी का टेम्पल है जिसे बहुत सारे किंग्स ने अलग अलग टाइम पर डेवलप करवाया था। यहाँ पर बहुत सारे स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं और हर स्ट्रक्चर की अलग स्टोरीज और अलग डिटेल्स हैं। ये टेम्पल एक रॉयल टेम्पल हुआ करता था और डेडिकेटेड है भगवान विठल को, जो कि इनकार्नेशन है भगवान विष्णु के। पूरा टेम्पल द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और यहाँ पे आपको हर जगह बहुत सारे सिग्निफिकेंट सिम्बल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वो है स्टोन चैरियट, जो कि एक ओरिजिनल चैरियट जैसा मॉडल किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपको इंडियन करेंसी के 50 रुपीज़ नोट में भी देखने को मिल जाएगा। ये स्टोन चैरियट एक गरुड़ टेम्पल है, गरुड़ जो कि भगवान विठल के वाहन थे। नाउ चैरियट भी एक व्हीकल है और गरुड़ भी एक व्हीकल थे भगवान विठल के, इसलिए उनका टेम्पल विठल टेम्पल के जस्ट सामने बना होना मेक सेंस करता है। ऑब्वियसली अब अपनी कार कहाँ रखोगे, घर के बाहर ही ना, बट भगवान विठल को कार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनकार्नेशन है। सॉरी। इस कॉम्प्लेक्स के सेंटर में सिचुएटेड है महामंडपा, जो कि यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन है। यहाँ के टोटल 4 हॉल हुआ करते थे, जिसमें से जो वेस्टर्न हॉल है वो कोलैप्स हो गया है, ईस्टर्न, नॉर्थ और साउथ हॉल अभी भी इंटैक्ट है।
इस मंडपा के आउटर मोस्ट पार्ट में है यहाँ की सबसे औसम चीज जो है सारे गामा पिलर्स। ये सिंगल ग्रेनाइट से बने हुए पिलर्स हैं जिन्हें आप जब स्ट्राइक करोगे तो उसमें से म्यूजिकल टोन निकलती है। दे से डिफरेंट पिलर्स प्रोड्यूस डिफरेंट नोट्स एंड आई थिंक इट्स फनी हाउ व्हेन दीज पिलर्स प्रोड्यूस नोट्स एवरीबडी इज लाइक इट्स सो कूल इट्स ऑसम एंड व्हेन आई ट्राई टू डू दैट दे अरेस्ट मी फॉर प्रिंटिंग फेक करेंसी। आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस सम नोट्स टू। जोक्स अपार्ट, दीज पीपल द अथॉरिटी एंड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे डोंट प्रमोट स्ट्राइकिंग ऑन दीज पिलर्स टू मच सो वी रिस्पेक्ट दैट। और यहाँ पर अभी रेनोवेशन चल रहा है तो वो लोग इसे टच भी नहीं करने दे रहे। इस कंपाउंड के बाहर ऐसे सिमिलर पिलर्स और हैं तो जब हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग वो पिलर्स चेक करेंगे। यहाँ का जो ईस्ट साइड वाला हॉल है उसे म्यूजिशियंस हॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर म्यूजिशियंस के स्कल्पचर्स बने हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी। जो सदर्न साइड वाला हॉल है इट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट बिकॉज यहाँ के पिलर्स पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं याली के। नाउ याली वॉज अ मिथिकल कैरेक्टर जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, आपको यहाँ के टेम्पल्स और फोर्ट्स में यूजुअली देखने को मिल जाएगा। याली इज अ टाइप ऑफ क्रीचर जिसका हेड और बॉडी लायन का है और ट्रंक और दांत एलिफेंट के हैं। पीपल बिलीव दैट याली यूज टू एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडिया बट आई डोंट नो इफ इट इज अ फिक्शन और ही एग्जिस्टेड रियली। बट डजंट मैटर बिकॉज याली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंट को और याली बात मुझे सबसे अच्छी लगी। नॉर्थ वाला हॉल भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ के पिलर पे स्कल्पचर्स बने हुए नरसिम्हा के जो कि भगवान विष्णु का मैन लायन इनकार्नेशन थे। यहाँ के पिलर्स पे नरसिम्हा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी पूरी नरेटेड है जिसे देखने में, पढ़ने में और यहाँ के आर्टवर्क को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो अंदर वाला सेंक्टम है वहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति या पेंटिंग नहीं है बट वह टेम्पल एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक अच्छा सा लाइट पैसेज बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क है और अच्छा एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। सो हियर आर द आइडेंटिकल म्यूजिकल पिलर्स आउटसाइड। वो स्टेप वेल भी पुष्करणी स्टेप वेल है ना। थैंक यू। नाउ वी आर एट दैट एरिया जहां पर वी विल फाइंड मल्टीपल साइट्स टू विजिट एंड वी विल स्टार्ट बाय द क्वींस बाथ। सो दिस यूज्ड टू बी द रॉयल बाथ, द एंशिएंट स्विमिंग पूल। बाहर से देखने में ये स्ट्रक्चर नॉर्मल सा लगता है बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो ये ग्रूव्स हैं जो इसके आसपास सराउंड करते हैं, मे बी ये ड्रेनेज के लिए और साथ में डिफेंस के लिए बनाए हुए थे। द इनसाइड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक रॉयल पूल है, इसका नाम क्वींस बात है बट यहाँ पर क्वींस और किंग्स दोनों बात करते थे। आई मीन हाँ बात भी करते होंगे, आई डोंट नो अबाउट देयर कन्वर्सेशंस बट ये दे यूज टू टेक बाथ हियर बोथ किंग्स एंड क्वींस। कितना रॉयली बनाया हुआ, कितनी खूबसूरती से इस बात को बनाया हुआ है। अपन तो घर बसा लें यार, इतनी अच्छी जगह पे इनका से बाथरूम था ये। इफ़ यू लुक एट द डोर्स ऑफ दिस प्लेस, ये आपको एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की हिंट देते हैं क्योंकि ये जो पॉइंटेड शेप है जिसे लोटस पेटल के शेप में बनाया गया है ये मेनली ईरानियन आर्किटेक्चर में यूज़ होता था और मुगल्स इसे इंडिया में लेके आए थे और फिर वो यहाँ के आर्किटेक्चर के साथ फ्यूज़न होके और ज़्यादा खूबसूरत बन गया। सो दिस इज द रॉयल एनक्लोजर, यू मे फाइंड अ लॉट ऑफ साइट्स हियर। ये राजवाड़ा हुआ करता था राजा कृष्णदेव राय का और यहाँ बहुत सारे टैंक्स हैं, स्टेप्ड वेल है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है तो वो भी हम देखेंगे और देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। अभी तक तो मतलब पता नहीं पर बहुत बड़ा एरिया है ये, तो आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएगी। क्वींस पाथ से जस्ट पास में ये है तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हो। ओके सो आई विल बी क्विक ऑन दिस वन। ये जो पूरा एरिया है ये अराउंड 17th सेंचुरी पे ट्रेस होता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वो है महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है एंड बाय द नेम यू कैन गेस कि महानवमी पे सेरेमनीज के लिए यूज़ होता होगा।
सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है वो है यहाँ के टैंक्स और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ब्रिलियंटली बिल्ड टैंक्स, स्टेप्ड वेल्स, पाइप्स और स्टोन पाइप्स, विच सजेस्ट कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, इवन आज के मॉडर्न सिटीज से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बारिश आई और पूरे शहर में पानी भर गया। मुंबई दीज पीपल दे डिंट नीड टू रन अवे फ्रॉम द मॉनसून्स और यू कैन से दे एंजॉयड द रेन बिकॉज ऑफ द रेन। मूविंग फर्दर यू गोना फाइंड द स्टेप्ड वेल जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फेमस है, इसका नाम है पुष्करणी। इसकी खास बात यह है कि पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। इसमें जो पानी आता है वो एक स्टोन की नहर से आता है, वो सेम टेक्नोलॉजी है जो पहले रोमन्स यूज करते थे। इसके आगे यू गोना फाइंड द पब्लिक बाथ एंड नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो एक पब्लिक पूल था जो लोग यहाँ पर राजवाड़ा में रहते थे वो वहाँ पर जाके नहाते थे और वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डीप है वो। आई मीन इतना डीप कि नहाते नहाते ही स्विमिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर लो। हेयर ऑन द लैंड यू गोना सी द ट्रेसेस ऑफ मोर रूम्स लाइक बाजार एंड अदर रूम्स। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था और ओपन स्पेस में था इसलिए सबसे ज़्यादा डैमेज इसी जगह पर हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ सीक्रेट रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक सीक्रेट टेम्पल है और एक सीक्रेट हॉल है जो कि अंडरग्राउंड बने हुए हैं दोनों और ऑब्वियसली किसी सीक्रेट सेरेमनीज के लिए यूज होते होंगे। पूरा उसको ऐसा काट के पानी है भी, पी लो भाई, घोड़ों के पीने के लिए है वो। दो पत्थर थे और उसके पीछे फिलिंग करी हुई पत्थर, ये देख एक इधर मोटा पत्थर एक उधर छोटा बीच छोटा बड़ा पत्थर और बीच में सारे छोटे छोटे पत्थर। ये है हजारा राम मंदिर। सो वी आर एट द राम मंदिर राइट नाउ और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ की सीलिंग पे, यहाँ के वॉल्स पे, यहाँ के पिलर्स पे हजारों राम के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मूर्तियाँ या पेंटिंग्स बनी हुई है, इसलिए इस जगह का नाम है हजारा राम टेम्पल। ये एक 15th सेंचुरी का टेम्पल है और एक रॉयल टेम्पल हुआ करता था, मतलब किंग्स और रॉयल पीपल ही यहाँ पर प्रे करते थे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था पहले, पर बाद में जो किंग्स आए उन लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट करवाया और इस टेम्पल को इतना ग्रैंड बना दिया। यहाँ की एक और खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ की जो दीवारें हैं उनके ऊपर रामायण की पूरी स्टोरी डिपिक्ट करी हुई है। इनके अलावा यहाँ के वॉल्स और पिलर्स पे और भी बहुत सारे खूबसूरत स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जैसे आउटर वॉल पे भगवान राम और कृष्ण की 12 लिंक्स हैं। जितना आप इस टेम्पल के आसपास घूमोगे ना उतना आपको नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। एंड इफ यू लव टू क्लिक पिक्चर्स लाइक मी, आई एम श्योर कि आप नहीं रुकने वाले हो। आप बहुत सारे पिक्चर्स यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑसम इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड इन योर कैमरा ऑन योर मोबाइल। राम मंदिर से निकलने के बाद आपको मिलेगा जनाना महल एरिया। वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है जहाँ पर रहते थे वुमेन्स और एलिफेंट्स, नहीं मतलब ऐसा साथ में नहीं रहते थे, अलग अलग एरिया से। जनाना महल मतलब ऐसा वुमेन के रहने का एरिया अलग है और हाथियों के रहने का एरिया अलग है, बट दोनों इसी कंपाउंड में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लोटस महल है जो कि एक लोटस के शेप में बना हुआ आर्किटेक्चर है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये दो चार बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आप एक साथ कवर कर सकते हो जनाना महल एरिया में। सो वी आर एट अवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि हनुमान मंदिर, ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर पैदा हुए थे। दिस इज द अंजनी पर्वत और ये सामने मृतंग मातंग पर्वत है जो कि रामायण की बहुत ही फेमस स्टोरी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वाली को श्राप मिला था मातंग ऋषि के द्वारा। इस टेम्पल में पिनहोल कैमरा वाला टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ था, तो जो मेन गोपुरम है द राजा गोपुरम, वहाँ का जो शेडो है जब वो सामने वाली वॉल पर पड़ता है तो वो शेडो इन्वर्टेड दिखता है,